नमस्कार, मैं रणवीर और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव की रणबेरी बच चुकी है और जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है जनता की, जनता का क्या है मूड, वो हम जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार बर्नवाल है। सर, आप कहाँ से रहने वाले? गया, बिहार। सर, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की रणबेरी बच चुकी है, क्या लगता है कि इस बार मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाराणसी से रहेगा? नहीं नहीं, मोदी का लहर पूरा है और मोदी ही आगे आएगी। मोदी ही आगे आएगा। आप किसको वोट देना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी को, इसकी क्या कुछ खास वजह रहेगी? बीजेपी का पूरा समझिए कि अच्छा विचार है, अच्छा लक्ष्य है और अच्छाई सोच है, इसके कारण जो है से बीजेपी को देंगे। अच्छा, इसके कारण बीजेपी को देंगे। कुछ एक नई सोच और एक अच्छा विचार है, क्या लगता है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट आएगी या फिर राहुल गवर्नमेंट, दोनों? नहीं नहीं, मोदी गवर्नमेंट आएगी, एकदम पूरा 100% मोदी गवर्नमेंट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल हमारे साथ बने रहने, धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजना मुखिया और आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। तो आइए हम जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है 2019 लोकसभा इलेक्शन के बारे में। जी, आपका नाम? जीतू है मेरा नाम। अच्छा, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका समर्थन किस चुनावी पार्टी को होगा। तो आप किस चुनावी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए काम करती है सब, इसलिए। ठीक है, तो आइए हम एक और शख्स से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस चुनावी प्रतिक्रिया के बारे में। आपका नाम? मोहम्मद फरमान। जी, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी, बीजेपी या कांग्रेस? जीत के बारे में तो कह नहीं सकते, क्या है ये तो जनता चुनेगी। जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन, आप किसको समर्थन देंगे अपना? अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को क्यों क्यों देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं? आप पहले से देते आए और हम तो कांग्रेस को ही देते। तो हमने जाना लोगों की प्रतिक्रिया कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आज हम बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में। तो राजनीति में हलचल है कि मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाराणसी से होने की आशंका है। तो आपका नाम? इंद्रजीत बेनीवाल। तो हम इंद्रजीत से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। देखो जी, प्रतिक्रिया की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के कंपेरेटिवली अपन किसी को कर ही नहीं सकते खड़ा। वो एक सादगीपूर्ण वाले नेता हैं और ये एक राजघराने से चले आए या अपने गांधी परिवार से चल के आए नेता बन गए, वो है। तो ये तो कंपेरेटिव है ही नहीं कि भाई प्रियंका जीतेगी या मोदी जीतेगा, डेफिनेट मोदी जीतेंगे। आपका मानना है कि आप मोदी को जिताना चाहेंगे? 100% मोदी जीतेंगे, पूरे देश में केंद्र की जो सरकार है मोदी सरकार की बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। जी सर, थैंक यू। मैम, आप? मेरी भी यही है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे, क्योंकि हम जैसे डेली पढ़ते भी हैं और चर्चा भी जब हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी की ही चलती है और मैं तो यही चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जीते। ओके मैम, धन्यवाद। तो अब हम लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रतिक्रिया जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और मोदी सरकार को अगर ये वोट देते हैं तो क्या इनकी अपेक्षा रहेगी मोदी सरकार से, आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है और मैं जयपुर ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो जयपुर हमारे साथ जो शासन हो रहा है ओला उबेर के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, मोदी जी क्या पता हमारे लिए कुछ भला कर दे, क्योंकि जो हमारी जो पिकअप दूरी है और हमारे जो शोषण कर रही है रात और दिन, बेचारे 16-16 घंटे ड्राइवर भाई कमा के खा रहे हैं, उनको 1000 रुपये भी 500 नसीब नहीं हो रहा आज। क्या पता जयपुर के अंदर हम भाइयों के लिए कुछ ऐसा कर दे, काली पट्टी बदे या पर किलोमीटर जो भी हमारी जो सरकार रेट है वो चालू कर दे, पिकअप दूरी कम कर दे। ये ओला उबेर हमारा शोषण इतना कर चुकी है कि हम जयपुर के ड्राइवर मर चुके हैं, काफ़ी लोग मर चुके हैं। मोदी सरकार से ये दुआ करते हैं कि जयपुर में कुछ ऐसा करें ओला और उबेर के खिलाफ कि ड्राइवर भाई का कुछ भला हो सके। अभी एक मोटर बाइक का ड्राइवर, कई भाइयों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, कई ड्राइवर भाई जान गंवा चुके हैं इसमें। मोदी सरकार से दुआ है, भगवान से चाहते हैं कि भगवान ये मोदी सरकार आवे और हमारा भला करे कुछ। तो कुल मिला के ये लगाया जा रहा है, कयास लगाई जा रही है इनके द्वारा कि मोदी सरकार आए और इनका समस्याओं का समाधान हो। जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में
आपका नाम? माय नेम इज़ गौरव। सर कहाँ से आप? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा, तो इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाराणसी से? आई डोंट थिंक सो, मोदी इज अ विन एनी टाइम। मोदी। आपका समर्थन किसको रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को, ऑब्वियसली बीजेपी को रहेगा, बिकॉज काफी टाइम से कांग्रेस देख रहे हैं। ठीक है, 5 ईयर्स मोदी जी को देखा है, नेक्स्ट 5 ईयर्स आई विल गिव इट टू यू। तो क्या मतलब बीजेपी को वोट देने के पीछे क्या पॉलिसीज रहेगी? पॉलिसीज ऐसा तो कुछ नहीं है, ग्रोथ जो 5 ईयर्स में देखा है, इंटायर जयपुर को नहीं, ऑल ओवर इंडिया को देखते हुए, तो आई थिंक सो मोदी डेफिनेटली। जी आपका नाम? नहीं है, रश्मि परिहार। तो इस बार एक यूथ आइकन प्रियंका गांधी को कांग्रेस में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को पीएम पद की दावेदार देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मोदी ने जो देश को बचाया है, देश के लिए सब कुछ कर रहा है, उनके पास कोई नेता भी नहीं है विपक्ष में। अच्छा, विपक्ष में नेता नहीं है, नहीं है। तो नहीं है, कुल मिला के बीजेपी को समर्थन है इस बार? हाँ, हमारा बीजेपी को। जी आप? गीता। आप कहाँ से रहने वाले? यहीं के जयपुर रहती हूँ। तो इस बार मतलब बीजेपी को वाराणसी से मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल जीतेगी? अच्छा, बिल्कुल जीतेगी। धन्यवाद आपका। तो आइए हम जानते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो आपका नाम? सलीम खान। सलीम खान जी, आप बताइए कि वाराणसी से प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ये है जी कि प्रियंका जी यूथ है, यंग है, तो उनके बारे में भी ठीक है, कह सकते हैं कि एक मिनट के लिए उनको वोट देने के लिए सोच सकते हैं। बाकी मोदी जी ने जो कुछ किया देश के लिए पिछले 4-5 साल में, वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और सोच सकते हैं मोदी जी के लिए भी। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार हो या प्रियंका गांधी की सरकार बने? मैं तो मैं सोचता हूँ मोदी को ही होना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद। राजेंद्र कुमार वर्मा। तो राजेंद्र जी, आप बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी। मोदी। और प्रियंका गांधी क्यों नहीं? बस जो मोदी ने जो किया है वो प्रियंका गांधी नहीं कर सकती, चाहे वो यंग हो, जिनका तजुर्बा, जो मोदी जी का तजुर्बा है वो उनमें तजुर्बा नहीं है। ओके सर, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मोदी जी की। ओके, धन्यवाद। चुनाव की चर्चा में हम जानते हैं। जी आपका नाम? कमलेश शर्मा। कमलेश जी, आप इस बार बीजेपी गवर्नमेंट को समर्थन करोगे या फिर कांग्रेस को? बीजेपी को। बीजेपी को करोगे, तो आपकी मोदी गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रहेगी इस बार? सर, सबसे बड़ी अपेक्षा ये रहेगी मोदी गवर्नमेंट से उबर ओला का बहिष्कार हो और यहाँ पे जयपुर के अंदर काली पीली पट्टी लागू की जाए, जिससे सभी ड्राइवरों का भला हो। जिससे सभी ड्राइवर। और क्या मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट से भी क्या अपेक्षा करते हो? अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट से भी ये अपेक्षा रहेगी हमारी। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी यही। तो कुल मिला के बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसका वोट जाएगा? बीजेपी को। कुल मिला के बीजेपी को वोट जाएगा। तो इस बार यही है कि इनकी अपेक्षा है, इनका बीजेपी सरकार आती है तो इनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। धन्यवाद। आइए हम जानते हैं एक शख्स से और प्रतिक्रिया, इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर आपका नाम? सर मेरा नाम राकेश कुमार अटल है और मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे MSc ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। तो इस बार लोकसभा चुनाव के बारे में क्या लगता है, बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस, जिस प्रकार वाराणसी से मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी का एक रचनात्मक माहौल बनता जा रहा है, तो क्या लगता है इस बार प्रियंका गांधी या मोदी गवर्नमेंट? देखिए, मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं और पॉलिटिकल में बहुत अच्छा उनका नेतृत्व है, और अभी जो आतंकी गतिविधियों के उन्हें खिलाफ जो कार्रवाई करी उनके खिलाफ, ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार को ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे स्किल इंडिया का प्रोग्राम चालू तो किया है उन्होंने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मैं तो यही चाहता हूं कि जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका गाँव में भी प्रभाव होना चाहिए। जो गाँव में, मैं गाँव से, खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ और MSc का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, तो इतना प्रभाव नहीं है गाँव में। यहाँ शहरों में डेवलप हो रहा है लेकिन गाँव बहुत पिछड़े हुए हैं, और गाँव के किसान भाई जो टेक्निकल को लेकर काफ़ी दिक्कत है उनको, कि कृषि में जो टेक्निकल चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, जो विकास हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उनको गांव की ओर ध्यान देना चाहिए, जो क्योंकि देश की 80% जनसंख्या तो गांवों में ही निवास करती है, जब गांवों का विकास नहीं होगा तो शहरों का विकास कोई विकास नहीं कहलाएगा।
तो कुल मिला के कहना है कि मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज है बीजेपी गवर्नमेंट की, वो अब शहरी तक नहीं रह के सीमित और गांवों पे पुरजोर रूप से जोर दिया जाए, तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने भी पहले बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे इंदिरा गांधी के भाई ने अभी बोला कि इंदिरा गांधी ने इतना नेतृत्व जो उन्होंने किया वो रेस्पेक्टेड था, उनको कुछ गलत नहीं कह सकते। उनके टाइम उन्होंने बहुत अच्छा किया, जितने साधन अवेलेबल थे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और मोदी जी के आज कर रहे हैं तो उनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार हैं, तो वो उनके हिसाब से वे सही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक जिम्मेदार इंसान होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, कोई सी भी पार्टी का होता है, वो वास्तव में पॉलिटिकल लीडर होता है और उसके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते, चाहे वो पहले का हो, चाहे अब का हो, चाहे आगे आने वाला हो। तो प्रियंका गांधी जैसे अभी यूथ आइकन के रूप में उभरी हैं, तो क्या उनको आप पीएम पद पे दावेदार देखना चाहेंगे? प्रियंका जी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है उनको राजनीति का, वो अभी नई है और मोदी जी काफ़ी पुराने हैं तो उनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम यही चाहेंगे कि मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बने। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम एक शख्स से और प्रतिक्रिया जानते हैं, चुनाव को लेकर क्या रहेगी उनकी। जी आपका नाम? पंकज वैष्णव सर। पंकज कहाँ से बिलोंग करते हो? सर जयपुर से। जयपुर से, तो इस बार बीजेपी इलेक्शंस में क्या रहेगा, मतलब बीजेपी या कांग्रेस? सर बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से सर जो हमारे समर्थन में रहेगा ना, जो हमारी समस्या को सोल्व करेगा हम उसके लिए जाएंगे। बिल्कुल, जो आपकी समस्याओं को सोल्व करेगा उसी को ही वोट जाएगा। बिल्कुल। तो क्या मोदी गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रहेगी अगर दोबारा इस बार उनकी सरकार बनती है तो? सर हमारी यही समस्या है कि सर हमारे से मनचाहा पैसा वसूला जा रहा है, हमें पता भी नहीं लगा था हमारे अकाउंट से सर 2000 रुपये डायरेक्ट गायब हो रहे, तो सर हम गरीब आदमी कैसे कमा के खाएगा वही चीज़? सर 2000 रुपये एक दिन में कमाना बहुत बड़ी बात होती है सर, हमारे 2000 रुपये ऐसे कटेंगे तो अपने को हमारे खाली गाड़ी के इंस्टॉलमेंट कौन भरता सर यहाँ पे? सर मेन बात सर ये ना, ये बोलते हैं कि कैंसिलेशन चार्ज के पैसे कटते हैं, तो सर कैंसिलेशन चार्ज अगर आपको 10-10 किलोमीटर की पिकअप दिया जाएगा तो सर कौन उसको लेने जाएगा? सर 10 किलोमीटर जाते हो, जाने के बाद में भी सर वो 2 किलोमीटर 40 रुपये मिलते हैं, तो सर वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या है? सर रोज वहाँ पे यही चीज़, अब आदमी वहाँ जाने के बाद में अगर चलो ठीक है सर सवारी ने अगर कैंसिल कर दी वो चीज़ तो हमारे में थोड़ी इंक्लूड होगी सर, वो हमारी समस्या यही सर कि मनचाहा पैसा ना वसूला जाए और हमें पता रहे कि हमारा किस बात का पैसा कट रहा है। तो कुल मिला के बीजेपी सरकार को तभी ही वोट दिया जाएगा जब इनकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी लोकसभा 2019 चुनाव के बारे में लोगों से जानी उनकी प्रतिक्रिया, तो आगे भी हम आपसे यूं ही मुलाकात करते रहेंगे नई चर्चा को लेके। मैं संजना मुखिया सिंस इंडिपेंडेंस जयपुर, थैंक यू।